गोरखपुर में हूँ आपके साथ। कुरैशी, सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा, जी आज इसी मुद्दे को लेकर हम पत्रकार वार्ता में चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंह यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दबंग नेता दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने फिर से ये बात फिर से कर दी है कि सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा चलता है, फर्जीवाड़े की कई खबरें चलती हैं। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के फ्लाईओवर को भोपाल का फ्लाईओवर बताकर उसमें दरार की बात कही थी। बाद में हालांकि जब उनको इस बात का पता चला कि ये गलती से उनसे ये ट्वीट हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगने के साथ ही ट्वीट से ये पोस्ट हटा ली। लेकिन इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह के राज में कहीं फ्लाईओवर बना ही नहीं था, जब जमीनी हकीकत में फ्लाईओवर नहीं बनवा पाए और आज उस पर सोशल मीडिया पर फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहा हूँ, उसमें दरारने की बात कर रहा हूँ। इसी मुद्दे को लेकर आज राज्य मंत्री जो है मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग भी प्रदर्शन करने वाले हैं और दूरबीन लेकर वो ऐसी खामियों को ढूंढने निकले हैं। उन्होंने एक तंज किया है दिग्विजय सिंह पर, इस तरह के जो सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़े चलते हैं। कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो कभी किसी एक्टर की मौत की खबर चला दी जाती है, दिलीप कुमार को कई बार सोशल मीडिया पर मारा गया, कादर खान को मारा गया, अभी हाल ही में अजीत जोगी की भी निधन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से पोस्टें आई हैं, तस्वीरें आई हैं जिनमें कहीं की रोड़ा कहीं का रंग अड़ा दिया गया है। नरेंद्र योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी इस तरह की तस्वीरों को कट पेस्ट करके सोशल मीडिया पर डाला जा चुका है। जो राजनाथ सिंह है राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं केंद्र के, उनके इस तरह के सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट वायरल किए गए जिसमें उनकी पोस्ट को डीजीपी उत्तर प्रदेश के उनके कदमों बिठाए बैठा हुआ दिखाया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के फर्जीवाड़े जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हानिकारक हैं। और जो हमारे नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या दूसरे नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी कई बार जल्दबाजी में इस तरह के पोस्ट और ट्वीट कर देते हैं जिनका कोई सच्चाई से कोई दूर दूर तक का सरोकार नहीं रहता। इसी मुद्दे को लेकर हमने आज पत्रकार वार्ता में चर्चा की शुरुआत की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं खिलावन चंद्राकर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासतौर से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। साथ में हमारे साथ प्रवीण श्रीवास्तव जी, जो खुद भी वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ एक मिशन चलाते हैं मदर फॉर मिशन के नाम से और सोम्य संवाद मैगजीन निकालते हैं, एक बुंदेलखंड भवन बनाए हुए जिसमें समाज सेवा के भी काम करते हैं, वो भी लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है पत्रकार वार्ता में। खिलावन जी, क्या लगता है जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो सूचनाएं देने के लिए, लेकिन सूचनाएं के साथ साथ उसको लोग सच्चाई भी समझ लेते हैं और गलत खबरें भी पोस्ट करते हैं और गलत चीजों भी सोशल मीडिया के साथ वायरल हो रही हैं? जुबेर भाई, निश्चित तौर पे आपका कहना सही है कि इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया का, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म में जाओ उस प्लेटफॉर्म में दुरुपयोग होता हुआ दिखता है हमें लगातार। उसका मुख्य कारण यह है कि आप भी लंबे समय से हैं, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे जो सक्रिय लोग हैं, यदि पत्रकारों को कुछ पत्रकारों को छोड़ दें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विधा को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ना तो कोई सूचना आती है उसका क्रॉस चेकिंग होती है, ना इस बारे में कोई चर्चा किसी से कर पाते हैं और सीधा जितनी जल्दी हो सके डाल दो ताकि जी हम प्रथम रीड कर ले। अभी आपने देखा होगा कि टीवी चैनलों में भी, अखबारों में भी, कुछ अखबारों में भी जो वहाँ शहडोल में जो कांग्रेस में शामिल हुए थे जिला पंचायत अध्यक्ष, उसको भी लेके गलत फहमी गलत हुई। लोग क्रॉस से क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ में नहीं आती। और ये बहुत जरूरी है विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, यदि हम सोशल मीडिया में कोई चीज डाल रहे हैं तो पहले उसका क्रॉस चेक करें, पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें, क्योंकि समाज में एक बड़ा प्रभाव डालने वाला सोशल मीडिया है। बिल्कुल, एक और बात सामने आई है प्रवीण जी, आपको याद होगा कि अभी कुछ जब अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि जो व्यापम घोटाला हुआ तो उसकी जांच सीबीआई से कराएं। याद होगा पत्रकार वार्ता चल रही थी, कहीं से खबर आई कि जबलपुर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। इस
खबर आए चंद सेकंड्स भी नहीं होते, ये बात अरुण यादव को पास पहुंची या जीतू पर जो कुणाल चौधरी थे उनके पास पहुंची और उन्होंने बिना इस खबर की तस्दीक किए वहीं पर मीडिया को बाइट दे दी कि हमारी मांग पूरी हो गई और ये अच्छा है, अच्छी तरह जो भी उन्होंने बाइट देना थी वो बाइट दे दी। लेकिन बाद में कुछ देर बाद ये खुलासा हुआ कि इस तरह की कोई खबर ही नहीं थी। तो ये जो नेता है वो भी बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं किसी भी तरह की पोस्ट डालने में या बाइट देने में? नेता कोई भी आदमी, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, ये लोग अधिकांश लोग पता ही नहीं करते हैं कि क्या सही क्या है। सत्यता की खोज करने का समय किसी के पास नहीं है, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। जो खबर आई हमने ये देखा कि वो जुबेर भाई ने दी है खबर और हमने उसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो जुबेर भाई जो भी है उनने भी किसी विश्वसनीय दोस्त से ली और उसको आगे बढ़ा दिया। हम केवल इसमें सोच के आगे बढ़ा देते हैं कि वो हमारे मित्र ने फॉरवर्ड करी है और मित्र ने भी किसी मित्र से ली है, बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ पहुंची है कोई विश्वसनीयता उसकी नहीं है। और एक बात ये है कि जो आदमी जैसा है वैसी आदमी सोच रखता है। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है, वो करते भी लोग हैं। जैसे आपको बताया किसी का इलाज होना है और परेशान व्यक्ति है, किसी को ब्लड चाहिए, उसके लिए भी लोग, तो इसके लिए सोशल मीडिया का बड़ा लाभ भी मिलता है। और ऐसे लोग भी हैं नकारात्मक सोच वाले लोग, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। अभी आपने ये देखा होगा कल ही छत्तीसगढ़ की जो पंडवानी गायिका है तीजन भाई को हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और निधन की खबर चल पड़ी जी। अभी आपने देखा होगा कि पूर्व राष्ट्रपति अभी नागपुर गए थे संघ के कार्यक्रम में और वहां से उनका ध्वज प्रणाम वाली फोटो और ऊपर जो टोपी लगी थी वो फोटो बना के फोटोशॉप की कलाकारी करके, और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये भाजपा ने किया कि ये कांग्रेस। नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि आम लोग करें या इस तरह के फोटोशॉप करके करें तो यहाँ तक तो ठीक है, उस पर भी अंकुश लगाया जाता है और कार्रवाई होती है। लेकिन हम अगर बात करें इतने अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह जी हुए या गहलोत जी हुए या दूसरे बड़े अरुण यादव जी हुए या दूसरे बीजेपी के नेता हुए जो इतना अनुभव रखते हैं, वो इस तरह की चूक करते हैं बाद में उनको शर्मिंदा होना पड़ा। हम बात दिग्विजय सिंह जी की करें, बिना सोचे समझे कहीं का फ्लाई ओवर, यानी कहीं का रोड़ा कहीं का अड़ंगा अड़ा के कहीं का फ्लाई ओवर उस पर ट्वीट कर दिया, बाद में शर्मिंदगी हुई माफी मांगी। तो इस तरह से इन बड़े नेताओं को क्या लगता है खिलावन जी, क्या इन बड़े नेताओं को ये इस तरह से ट्वीट करने से पहले या पोस्ट करने से पहले या सोशल मीडिया पर किसी भी चीज को पोस्ट करने से पहले उसकी सत्यता की जांच नहीं की करनी चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए जुबेर भाई। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने राजनेता हैं, बड़े राजनेता हैं या जो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, उन लोगों का ट्विटर या फेसबुक या जो सोशल मीडिया के जितने वर्जन है उसको हैंडल करने के लिए वो खुद नहीं हैंडल करते, बल्कि वो आदमी रख रखे हैं और उस वर्कर या कर्मचारी उनके सहयोगी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक दिग्विजय सिंह के ट्वीट का सवाल है, आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया में एक ब्रिज का जो निर्माणाधीन ब्रिज है उसकी तस्वीर जो दो दिन तीन दिन पहले से आ रही थी, कुछ लोगों ने उसकी सत्यता की जांच भी की कि वास्तव में ये पुल कहाँ के पुल ओवर ब्रिज का दृश्य है, तो उस समय पता चल गया था। मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उससे पहले ही समाज में या सोशल मीडिया में बात सामने आ चुकी थी कि वो रावलपिंडी की एक निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का दृश्य है। इसके बावजूद जो दो बार मुख्यमंत्री रहे, मतलब बहुत गंभीर और धीर गंभीर राजनेता जिन्हें माना जाता है दिग्विजय सिंह को, उनने ट्वीट किया और कहा कि देखिए ये सुभाष नगर का ओवर ब्रिज बन रहा है, इसमें दरार है, इस तरह से घटिया निर्माण हो रहा है, इस तरह से अपने ट्वीट में उसने बात व्यक्त की। बाद में जो रजनीश अग्रवाल है वो सामने आए, बीजेपी की जो प्रवक्ता है, उसने इसका विरोध किया, बहुत जम के विरोध किया। और उसके बाद जब ये बात विरोध जब दिग्विजय सिंह के कानों में संभवतः पहुंची होगी तो वो अपना ट्वीट जो है अपना क्षमा मांगने के साथ उनने अपनी बात को और ये भी कहने का प्रयास किया कि ठीक है ये चित्र यहाँ का नहीं है, लेकिन सुभाष नगर का जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसमें तो दरार है, वो घटिया निर्माण हो रहा है, इस बात पर जोर दिया। बात दिग्विजय सिंह की नहीं करें, आपको याद होगा प्रणुनी जी विधानसभा में लोकायुक्त पी नवलकर साहब, उनके कल्पना जो थी, उनकी विधायक थी कल्पना उज्जैन से पारुलकर, उन्होंने भी इस तरह के कुछ पोस्ट बनाकर ट्विटर पर डाल दिए थे कि उनके आरएसएस के साथ ड्रेस में।
क्या लगता है कि इस तरह की जानबूझकर गलती की जाती है या कुछ अनजाने में इस तरह की गलती होती है? सोशल मीडिया पर सब जल्दबाजी में हो रहा है काम। पहले अपन देखते थे कि न्यूज चैनल थे, उनमें 24 घंटे की न्यूज आती थी, अब हर पल की न्यूज और सोशल मीडिया पर पलक झपकते ही एक नई न्यूज बन जाती है। तो हर कोई इसमें इतनी जल्दबाजी में है कि वो सत्यता तो बहुत दूर की बात है, उन्हें खुद अपनी खबर भी डालना हो तो वो शब्द नहीं चेक करते हैं कि इसमें हम खुद क्या सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। बिल्कुल जल्दबाजी में सब लोग हैं, बिल्कुल जल्दबाजी के चक्कर में ऐसी गलती कर देते हैं, ऐसी चूक कर देते हैं जिसमें मैं के बाद उन्हें बाद में जब सच्चाई का पता चलता तो शर्मिंदा होना पड़ता। नेता इतने एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, बिना सोचे समझे, बिना किसी की जांच परख किए, बिना किसी चीज की सत्यापन किए कुछ तो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं झूठी वाहवाही लूटने के लिए। जिस तरह से अभी कल दिग्विजय सिंह जी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी उसको लेकर पूरे अभी चर्चा का बाजार गर्म और सुर्खियां बनी हुई हैं। क्या लगता है खिलावन जी, जिस तरह से ये नेता एक्साइटेड हो जाते हैं बिना कोई सत्यता की जांच किए, बिना कोई जांच परख किए कुछ तो भी सोशल उठाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया, बाद में इसके को लेकर उनकी जो खिल्ली उड़ती है, जो माखोल उड़ता है, उसका से सबक नहीं सीख रहे हैं? जुहेर भाई, मूल बात जो है वो ये है कि सिर्फ राजनेता ही नहीं, जो लोग भी सक्रिय हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे समाज के दूसरे वर्ग के लोग हों, सब के सब इस गलती को दोहरा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी चूंकि राजनेताओं की ज़्यादा समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सजग तो उनको रहना चाहिए। जैसा कल ट्वीट में नज़र आया दिग्विजय सिंह का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कुछ कर भी दिया जाता है तो बाद में उसको क्षमा मांग के टालने की कोशिश की जाती है, ये सोशल मीडिया के लिए या सोशल मीडिया के किसी भी वर्जन के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। और मैंने पहले भी कहा आपको कि सत्यता की जांच किए बगैर जो सूचनाएं हमारे पास आती है, उन सूचनाओं के क्रॉस चेक किए बगैर हम इस तरह के अधकचरे मैटर्स जो हैं डालेंगे, अधकचरे संवाद को डालेंगे मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्थिति पैदा होगी जो समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जुबेर भाई, ये एक दिग्विजय सिंह कोई अकेले उदाहरण नहीं है, इससे पहले कई बड़े नेता, कई वरिष्ठ नेता इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं। और ख़ासतौर से नेता की क्या बात करें, हम कई लोग जो समाज सेवी से जुड़े हुए, समाज सेविक भी हैं, पत्रकार भी हैं, उसमें हम बोलेंगे कि बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ की सत्यता की जांच करे, बिना पड़ताल किए किसी भी तरह की पोस्ट करते हैं। मुझे अच्छे से याद है प्रवीण जी, कई खब पहले जो था सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, एक प्लेटफॉर्म है उसका एक सूचना होती है, उससे एक सूचना मिलती है, लेकिन बिना इसको सूचना की तस्दीक किए इसको खबर बना देते हैं पत्रकार, नेता बिना इसका वेरीफाई करे इसको पोस्ट बना देते हैं। ऐसी इतनी जल्दबाजी है, आखिर क्यों, इस चीज़ से क्या फ़ायदा है किसी को? अब लोग अब नहीं बनाते हैं खबर, अब तो समझ में आ गया है कि इसमें कहीं पर भी पूरा 100% सत्य नहीं है। तो अब खबर बनाने के पहले पत्रकार अब अलर्ट हैं, केवल ये हाँ क्लू मिल सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पत्रकार अब अलर्ट हो गए हैं। हालांकि अभी पूरी समाज के लोग उतने अलर्ट नहीं हुए हैं, वो बात को सही मान लेते हैं और इसी के माध्यम से लोग अफवाह फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी लोगों के समझ में आने लगेगा कि इसमें अब 100% सत्यता नहीं है, कुछ घालमेल है और शरारतें ज़्यादा हैं, तो इसलिए अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी है और कुछ समय बाद इसका जितना भी विश्वसनीयता है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी और लोग बाग फोन करके एक दूसरे से क्लियर करेंगे, कन्फर्म करेंगे कि ये बात सत्य है या नहीं है। बिल्कुल, आपने एक बात की, पर एक सत्यता की जांच ज़रूरी है और परख ज़रूरी है, अब लोग अलर्ट होने शुरू हो गए। एक जो बात उभर कर सामने आ रही है खिलावन जी, क्या लोग अब सोशल मीडिया पे भरोसा करना बंद कर चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मीडिया का बड़ा और बहुत सॉफ्ट वर्जन और बहुत शानदार वर्जन है ये, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, जो भी वर्जन है सब बेहतर वर्जन है। और मुझे लगता है कि कुछ सुधार के बाद, जो सुधार तो खैर जिनने प्रोवाइड की है वो क्या सुधार करेंगे, सुधार तो जो हम उपयोग कर रहे हैं उनमें उनको लाना चाहिए अपने आप में। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी सूचना मिलती है, कोई भी
हम पोस्ट डालते हैं उससे पहले हम क्या डाल रहे हैं और कितनी सत्यता है समाज में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको पोस्ट डालना चाहिए। हमने देखा है कई बार जो है सोशल मीडिया में दो धर्मों को लड़ाने वाली वीडियो भी डाल दिया जाता है। एक ऐसा वर्ग भी है पार्ट जो सोशल मीडिया का हैंडल करते हैं, वो ऐसे लोगों का एक वर्ग भी है जो अपने गलत हितों को साधने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इसमें निश्चित तौर पे ब्रेक लगना चाहिए। किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा, अभी जब किसान आंदोलन 1 जून को शुरू हुआ उस दिन भी कुछ पुराने वीडियो सब्जी फेंकने के, दूध फेंकने के, इस तरह के डाल के किसानों को उद्वेलित करने का प्रयास किया गया। इस तरह की बातों से हमको बचना चाहिए ताकि समाज में गलत संदेश ना जाए। जुड़े जी, नहीं बिल्कुल बचना चाहिए और ज़रूरी भी है बचना, किस तरह के संदेश ना जाए, लेकिन जिस तरह से एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, हर तरीके नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो अनुभवी नेताएं हैं या तजुर्बेकार हैं और सीनियर मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं, उनसे इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा चुकाने वाली बातें हैं, क्या लगता है प्रवीण जी? हाँ, इन लोगों को जो अपनी टीम है, ये अपनी सोशल मीडिया को जो चलाने के लिए अपनी टीम बनाए हैं, उस टीम को इनको हिदायत देनी पड़ेगी, थोड़ा सोच समझ कर कोई भी पोस्ट डालें। और ये लोग फ्रीडम दिए हुए हैं उनको, और ये देखते हैं कि कांग्रेस वाले ने क्या किया तो भाजपा वाले आ गए, भाजपा वाले ने क्या किया तो वो, किसी को भी टाइम नहीं है, दोनों की टीम जल्दबाजी में लगी। सोशल वार जो शुरू हुआ है, एक सोशल वार की बात करें खिलावन जी, एक जो सोशल वार कर मतलब सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है, बिना सोचे बिना समझे एक दूसरे को किस तरह से नीचा दिखा सकते हैं, एक दूसरे को किस तरह से कटाक्ष कर सकते हैं, या एक दूसरे पर किस तरह से आरोप लगा सकते हैं, फर्जी वीडियो बन रहे हैं, फर्जी तरीके की पोस्टें आ रही हैं, उसका उस पर कुछ रोक लगाने के लिए प्रशासन को या सरकार को एक्शन लेना नहीं चाहिए क्या? निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए, और इसके लिए साइबर सेल है, अलग से सेल बनाया गया है पुलिस डिपार्टमेंट में, और इस तरह के जो फेक वीडियो है या जो सांप्रदायिकता की भावना को फैलाने वाले जो वीडियो हैं या एक दूसरा को नीचा दिखाने के लिए वैमनस्यतापूर्ण जो पोस्ट होती है उनको, उन पर रोक लगाने के लिए इस तरह का एक सेल है पुलिस के पास, और इसको पुलिस को बहुत सशक्त, हालांकि हम जानते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं है, मैन पावर की कमी है, संसाधनों की कमी है, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि जितने संसाधन उपलब्ध हैं उस पर ही यदि बहुत सार्थक तरीके से काम किया जाए तो बहुत गलत संदेश जो समाज में जा रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है। एक बात और मैं जो भाई बोलना चाहता था आपसे, जो बताना चाहता था दर्शकों की, अब चुनाव वर्ष है, 5 महीने साढ़े 5 महीने लगभग विधानसभा चुनाव को, साढ़े 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना सुनिश्चित है, और इस बीच जो है ना, जो हमारे मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख राजनीतिक दल है, भाजपा और कांग्रेस, वो सोशल मीडिया के सहारे से इस वार को और धारदार बनाने की, इस जो चुनावी लड़ाई है उसको और धारदार बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा पिछले 15-16 दिनों में कि 3 तरह के वीडियो कांग्रेस के तरफ से डाले गए, 3 तरह के वीडियो भाजपा के तरफ से डाले गए, एक दूसरे के सिर पे सिर लगा के जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, रिडाइट करके किया जा रहा है या फेक वीडियो बना के किया जा रहा है, इस तरह का जो प्रवृत्ति जो पनपी है वो समाज के लिए ठीक नहीं है, इस पर समाज रोक लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आईटी सेल जो कांग्रेस का एक आईटी सेल वर्क कर रही है कांग्रेस की, एक बीजेपी की आईटी सेल वर्क कर रही है, अब तो बाकायदा एक आईटी सेल का गठन कर दिया गया है, उसमें पदाधिकारी बनाए गए हैं, साथ में पेड एम्प्लॉय भी रखे गए। सवाल ये उठता है जिस तरह से बड़े नेता या सीनियर लीडर इस तरह की पोस्ट करते हैं उसको आम जनता गंभीरता से लेती है, एक आम पब्लिक या कोई आम इंसान करे पोस्ट तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा नाम जो अपन बात करें या कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगर इस तरह के पोस्ट करे तो उसका असर बड़ा पड़ता है, क्या लगता है प्रवीण जी? जो सीनियर लीडर हैं कि अपनी जो उनकी ऑथेंटिसिटी थी या उनकी जो सच्चाई थी वो खोने की कोशिश नहीं करना इस तरह की फेक पोस्ट डाल के? काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, और उनके लिए उन्हें भी चाहिए। और हालांकि ऐसा जैसा दिग्विजय सिंह के मामले में अभी हुआ है, आगे चल के बड़े नेता भी थोड़ा अलर्ट होंगे कहाँ चूक हो रही है,
क्योंकि उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। आज दिग्विजय सिंह को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी, तो ऐसा निश्चित तौर पे वो लोग अब गंभीर होंगे और ज्यों ज्यों चुनाव आ रहा है त्यों त्यों और गंभीर, क्योंकि एक ऐसी एक पोस्ट उनकी इमेज को धूमिल कर सकता और आगामी जो चुनाव होने चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए अब थोड़ा गंभीर होंगे। बात दिग्विजय सिंह की नहीं, ये दिग्विजय सिंह एक उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि अभी चूंकि ताज़ा मामला है, ये कल की बात है, उन्होंने इस तरह की पोस्ट करी, लेकिन इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं खिलावन जी के, जो सीनियर स्तर लीडर जो बड़े स्तर के नेता हैं वो इस तरह की चूके करते रहे हैं। आम बात हो चुकी है कि पहले पोस्ट कर दें, बाद में जब उसकी सच्चाई पता है, हम सुषमा स्वराज की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी उनकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, इस तरह की गलतियां इस तरह की चूकें उनसे भी कर चुके हैं। क्या कारण क्या रहता है कि जो जल्दबाजी रहती है या किसी चीज़ का श्रेय लेना होता है या श्रेयबाजी की होड़ रहती है, किस तरह की बिना सत्यता की जाँच किए बिना फैक्ट जाने इस तरह की पोस्ट कर देते हैं? योगेश भाई, मैंने पहले ही आपको बताया था ये बात कि जो राजनेता हैं हमारे, जो प्रथम श्रेणी के राजनेता हैं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, वो खुद अपने जो सोशल मीडिया के जो वर्जन है उसको खुद हैंडल नहीं करते, बल्कि किसी न किसी आदमी को रख के, अपने बहुत विश्वसनीय आदमी को रख के इस तरह का हैंडल की जाती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में हिंदी की इतनी बड़ी गलती थी, जिसे बाद में सुधार भी किया गया, उसको हटा के फिर उसमें सुधार करके नया पोस्ट डाला गया। तो एक जिम्मेदार पर्सन के द्वारा जो उनके आईटी सेल के लोग या उनके हैंडल करने वाले लोग जो गलतियां कर रहे हैं, उस पर एक नियंत्रण के लिए कोई ऐसे समझदार लोगों को निश्चित तौर पर रखना चाहिए जो समाज में जो परोसा जा रहा है उस पर नियंत्रण लगा सके, कर सके। तो इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, तभी इस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे कि और हमने देखा है कि सोशल मीडिया में लगातार मौतों की खबर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होती है। अभी प्रवीण जी ने बताया कि जो पंडवानी गायन के, पंडवानी गायन की जो बड़ी कलाकार है देश के, तीजन भाई, उनको मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कल शाम को जब उनसे मिलने उसके भिला स्टील प्लांट के जीएम गए थे और दूसरे अधिकारी गए थे, तो खिलखिला के हंस बात कर रही थी और बाद में उनको जो है वहां से बाहर निकाला गया, आईसीयू से और सामान्य कक्ष में रखा गया ताकि लोगों से मिलजुल सके वो। तो कई बार हमने देखा कि राजेश खन्ना को, जो महान कलाकार है, दिलीप कुमार को कई बार मारा गया। तो ये सब बातें, ये वो एक चीज इसमें और जो ऐड करना चाहूंगा कलाम जी, लोग जो डालते हैं इस तरह की पोस्टर डालते हैं, फर्जी फैक्ट फेक जो खबरें डालते हैं, वो तो डालते हैं, वो अपनी जगह गलत है, लेकिन सबसे जो इसमें मज़ेदार बात जो सामने आती है प्रवीण जी, जो नेता होते हैं पॉलिटिशियन, इस पर श्रद्धांजलि भी देना शुरू कर देते हैं तो बिना सत्यता की जाँच करें, कम न कहीं कादर खान की बात करें या दिलीप कुमार साहब की बात करें या अब तीजन भाई की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, उनको कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह से, उनकी दीर्घायु अटल जी के अभी भी आज ही हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन बिना सोचे समझे जो इस तरह की, उस पर भी बड़ी खिल्ली होती है आम पब्लिक, जब बाद में सच्चाई का पता चलता है तो ये हंसी के पात्र बनते। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तत्काल विश्वास कर लेता है जी, तत्काल विश्वास कर लेता है कि ऐसा सही होगा और श्रद्धांजलि दे दी, बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो गलत खबर थी और हम भी गलत हो चुके हैं जी। लेकिन हम एक बात और बताएं, यहाँ फेक न्यूज और फेक वीडियो, इसके पहले हम ये भी देख लें कि फेक आईडी चल रही है, फेक आईडी बनी है, हम अपनी आईडी प्रवीण श्रीवास्तव की जगह जुबेर भाई की नाम से बना सकते हैं, हम ऐसी ऐसे कई नाम से फेक आईडी, और फिर लोग बाग एक दूसरे को भिड़ाने के लिए, लड़ाने के लिए फेक आईडी का उपयोग कर रहे हैं। कई चीजें आप हिंदू मुस्लिम के जो सांप्रदायिक जो दंगा कराना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं, उल्टे सीधे ये अपने नाम से बना के, उनकी भी क्वेरी होनी चाहिए कि अगर वो प्रवीण श्रीवास्तव की आईडी है वाकई में है कि नहीं, नहीं तो प्रवीण श्रीवास्तव के नाम से ही कोई आईडी बना के और कुछ डाल, कोई जरूरी नहीं कि आपके नाम से ऑलरेडी चल रही हूं, चार पांच चल रही है। ये भी बिल्कुल, इसके भी हमें खुद अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई ऐसी आईडी तो नहीं चल रही है।
जोहर भाई, जो सूचना आती है, सब मैं बार बार ये बात दोहराना चाह रहा हूँ कि जो सूचनाएं आती हम उस सूचनाओं को क्रॉस चेक करें, उन सूचनाओं की सत्यता की पूरी तरह से जांच करें, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें सोशल मीडिया के माध्यम से, तो समाज के लिए भी बेहतर होगा और ये जो मीडिया का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर भी रोक लगेगी। बिल्कुल, जो सूचनाएँ आती हैं सोशल मीडिया के सब प्लेटफॉर्म है के सभी लोग जुड़ते हैं, जिसके समझ में आया उसने पोस्ट कर दी इस पर, क्योंकि कोई अंकुश नहीं है, कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। लेकिन ये नेताओं को भी और हम सबको समझना पड़ेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, सच्चाई की जांच करके बिना, सच्चाई की परख करे बिना या उसकी हकीकत जाने बिना किसी भी चीज़ पे कमेंट्स करना या कोई पोस्ट करना कभी भी आपका खुद के लिए मजाक, आप मजाक के पात्र बन सकते हैं, हंसी के पात्र बन सकते हैं। और आपको आज जैसे कल दिग्विजय सिंह जी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आपको भी और दूसरे नेताओं को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। तो ज़रूरी ये है कि कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आए उसका पहले पूरा सत्यापन कराया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए। आज इस मुद्दे पर इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।